अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अताउर रहमान फ्राम उस्ताद कंप्यूटर एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, उन सारों को हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू आर मोर, यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं ये आपस में जो कनेक्ट होते हैं दो या दो से ज़्यादा क्या चीज़ होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नोड्स हैं। नोड्स हम डिवाइसेस को या मशीन को भी कहते हैं। और जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो सर्कल किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस, क्योंकि इन मोडेम की इर्द गिर्द बहुत से डिवाइसेस लगे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कन्फाइंड टू अ रिलेटिव स्मॉल एरिया, यानी जो स्मॉल एरिया में कौन सा नेटवर्क काम करता है या उसके लिए बनाया गया है? तो ये है लैन, ठीक है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे जाते हैं 4 नंबर पे स्टूडेंट्स। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड मैसेज डेटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस, यानी उनमें से वो डिवाइस कौन सा है जो बाकी जितने भी डिवाइसेस है उसको मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं? तो ये है सेंडर, सेंडिंग डिवाइसेस, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। एंड वैन डब्ल्यू स्टैंड फॉर, यानी जब हमारे पास वैन होता है, ये नेटवर्क का एक किस्म है, तो इससे क्या मुराद है? तो करेक्ट ऑप्शन बी है, यानी वाइड, और फुल फॉर्म इसका है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे जाते हैं स्टूडेंट 6 नंबर की तरफ। द सेंट्रल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज द, ठीक है, यानी इन द सेंट्रल कंप्यूटर इन, यानी जब हमारे पास एक नेटवर्क होता है जिसके इर्द गिर्द डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, तो उसमें जो मेन काम करता है वो कौन सा, इनमें से कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, और इसको हम सर्वर कहते हैं। एंड कंप्यूटर नेटवर्क इन आईसी स्टैंड फॉर, यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क होता है तो इन आईसी किस चीज़ का मुखपा है? तो ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे जाते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, तो इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया सबसे फास्टेस्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, और यहाँ पर वो सर्कल मैंने नहीं किया, तो यहाँ पर बी है, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। एन ऑप्टिकल फाइबर यूज ग्लास थ्रेड्स टू ट्रांसमिट, जब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इनमें से कौन सा उसके लिए दुरुस्त है? लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, ऑल ऑफ दिस, इनमें लाइट, ठीक है, लाइट दुरुस्त है। और 10 नंबर पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट इनेबल कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, और यह है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एक्सरसाइज कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।